नमस्कार, मैं दिव्या दीक्षित और आप देख रहे हैं T20 न्यूज। फिरोजाबाद जनपद के शिकोबाद विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण के लिए रविवार को विशेष अभियान चलाया गया। कुछ बूथों पर नाम बढ़ाने के लिए भीड़ दिखाई दी तो कुछ बूथों पर सन्नाटा पसरा रहा। SDM शिव ध्यान पांडे ने नगर क्षेत्र में घूमकर बूथों का जायजा लिया। उन्होंने BLO और सुपरवाइजरों को काम के प्रति ईमानदारी बरतने के लिए निर्देश दिए। चुनाव आयोग द्वारा विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण और मतदाता पंजीकरण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस बीच विशेष बूथ दिवसों का आयोजन किया जा रहा है। रविवार को शिकोबाद विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक बूथ पर विशेष बूथ दिवस का आयोजन किया गया। संबंधित सभी BLO अपने बूथों पर सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक बैठे। इन BLO द्वारा 18 साल की उम्र पूरी कर चुके युवाओं के नाम मतदाता सूची में दर्ज किए गए। नाम बढ़ाने, काटने और संशोधन के लिए फॉर्म 6, 7 और 8 भरवाया। SDM ने नारायण इंटर कॉलेज, राष्ट्रीय विद्यालय, BDM कॉलेज, साफ सिंह इंटर कॉलेज के अलावा बनाए गए बूथों का निरीक्षण करते हुए पूरी मुस्तैदी के साथ काम करने के लिए सभी BLO को निर्देश किया। अगले विशेष बूथ दिवस का आयोजन अब 13 नवंबर को बूथों पर होगा। इस दौरान तहसीलदार, नायब तहसीलदार के अलावा जिले से लगाए गए जिला स्तरीय अधिकारी निरंतर भ्रमणशील रहे। तो देखते रहिए C20 न्यूज के साथ मुकेश गुप्ता की ये खास रिपोर्ट। निरीक्षण किया आपने सर? आज देखिए, आज भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विशेष बूथ दिवस है, अर्थात जहां वोटिंग होती है, जो हमारे बूथ होते हैं, आज जो संबंधित BLO हैं बूथ पे बैठेंगे और जो वोटर हैं यानी जो 18 साल की आयु पूरी कर रहे हैं वे बूथ पर आएंगे, और साथ ही साथ जो पहले से वोटर हैं जिनको अपने नाम में कोई संशोधन कराना है वो भी आएंगे और मतदाता सूची देखेंगे। अगर किसी को अपना नाम नया वोटर है और उसे फॉर्म 6 भरेंगे, और मान लीजिए कि कोई जो है पुराना वोटर है किंतु नाम में कोई त्रुटि है तो संशोधन कराएंगे। इसी प्रकार यदि कोई हमारे इस जो भी जिस बूथ पे हम उपस्थित हैं और जो जिसके वो BLO हैं, अगर वहां के कोई वोटर मान लीजिए कि मृतक हो गए या यहां से कहीं अन्यत्र जाके बस गए और ऐसे अगर मतदाता सूची में बने हुए हैं तो उनके